तो गाइस स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे एक बार। बागेश्वर धाम में अभी भी हम हैं और अब दूसरा पार्ट को शुरू करते हैं। तो अभी लगी हुई है भूख, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, प्रसाद भी हम ले लिए हैं और जो कोई भी आना चाहे बहुत आसानी से यहाँ पे आ सकता है। और किस्मत रही आपकी तो उस दिन आपको महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे। और यहाँ पे जितनी दुकानें हैं, आप जितनी भी यहाँ लाइन से दुकानें देखोगे ना, सब दुकानों में महाराज की फ़ोटो ज़रूर लगी हुई है। सो गाइस फाइनली खजुराहो मंदिर जाते जाते, क्योंकि हम बागेश्वर धाम गए थे तो फिर खजुराहो जाने का ऐसा प्लान नहीं बना, बट इसके आगे अभी हम कहाँ, अभी हम रुके हैं। इतना मस्त व्यू है ना यहाँ पे, जंगल है बिल्कुल, इतने घने, ये यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कौन सा पन्ना टाइगर रिजर्व है तो वो है यहाँ पे। और अभी हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए यार। और देखो थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ आपको, इतनी शांति हाईवे पे ना, इतना मज़ा आ रहा है जंगल देखने में। दिखाता हूँ वो जंगल पूरा हरा घना एकदम। तो गाइस आ गए हैं हम अपनी पहली मंजिल पे, क्योंकि ये दूसरा ब्लॉक था। तो अभी कहाँ खाना पीना खाने के बाद अभी हम आ गए हैं कहाँ, पांडव फॉल में, और पांडव वाटरफॉल बोला जाता है इसे। तो चलते हैं और देखते हैं, इतना अच्छा से नज़ारा है, आप लोग भी देखिए और बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। क्या समर्थ, मजा आ रहा है चले कुछ उसके आगे भी तो बोल। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं पांडव ब्लॉक, पांडव ब्लॉक नहीं यार गाइस, पांडव क्या बोलते हैं उसे, मेरे बैगन। ये हकला गया, हकला गया, हकला गया, भूल गया इसे क्या बोलना है। नो 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 नो, उसका नाम है पांडव वाटरफॉल गाइस। हाँ पांडव वाटरफॉल गाइस, नहीं तो चलते हैं नीचे और देखते हैं कैसा है वो। तो सबसे पहले ना ऊपर से यहाँ की खूबसूरती देखी जाए और फिर उसके बाद लेके चलेंगे नीचे और दिखाते हैं कैसा है। पहले यहाँ देखो जरा, एक वाटरफॉल वहाँ है, इससे जूम नहीं किया जा सकता बट जब इसे नीचे से देखेंगे ना तो और मजा आएगा। और यहाँ देखो गाइस, देखो फाइनली हम आ गए नीचे और हमारे साथ मैं, समर्थ और कंचन है। और मज़ा बहुत ज़्यादा, इतना शांत ना, सिर्फ पता कोई हल्ला नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ सुनाई दे रहा है क्या पानी की आवाज़। और यहाँ देखो नीचे नीचे आ रहे हैं हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे स्टाफ के सुस्त लोग आए हुए हैं वो ऊपर ही हैं। हाँ तो कुछ ऐसे हैं जो ऊपर ही थकेले लोग रह गए, लेकिन यंग जवान खून नीचे तक आ चुका है। कंचन भी नहीं आ रही थी बट कंचन को ले आए। अब यहाँ से दिखाएंगे आपको व्यू। तो गाइस वाटरफॉल तो अपन ने देख लिया, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पे क्या उसमें क्या है, थोड़ा सा पानी के पास में जाया जा सकता है बट है एक नंबर जगह यार, ग्रीनरी देखो सिर्फ यहाँ पे। हवन कुंड मत दिखाइएगा क्योंकि वहाँ पे लोग खाना खा के पत्थर फेंके हैं, वो गुफाएं वहाँ सोते थे, अंदर एक गुफा बनी है वहाँ पे उनके माता जी उनकी और रहा करते थे। इधर ये पांचों पांडव की गुफा बनी है। अच्छा, उसके अंदर और नहीं जा सकते हैं आप क्योंकि अंधेरा बहुत है। और तो गाइस चलते हैं अंदर और देखते हैं पांडव गुफाएं। चलो आओ मानिंद सर, पांडव गुफाएं देख लो, शर्मा क्यों रहे हो इतना ज्यादा। देखो पहले नाम देखो क्या लिखा हुआ है पांडव गुफाएं। अंधेरा काफी ज्यादा है बट चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। ये देखो ऐसी है ये पांडव गुफा, पूरे में अंधेरा, यहाँ पे समर्थ है। समर्थ हेलो गाइस, ये क्या था, ये आराम आराम करने की जगह है। हाँ तो ये देखो यहाँ ऐसा अंदर भी अंधेरा है पूरा, और ये थी पांडव की गुफाएं, यहाँ पे आराम करते थे रहते थे। अब देख लो कितना पुराना है ये सब भाई, और अंदर भी वैसे ही अंधेरा। और यहाँ पे ना देखो सब ऐसा है कि अंदर जाने के लिए से अंदर भी लकड़ियाँ ही लग गई हैं पूरी।
ये भी वही है, पूरा खंडर हो चुका है सारी चीज़ें, बट तब भी काफ़ी ठीक है कि आप आओ और देख सकते हो। और सबसे अच्छा नज़ारा जो यहाँ का, वो यहाँ का वाटरफॉल है, और ये पूरी पहाड़ों की चट्टानों को काट के गुफाएं बनाई गई हैं। क्या वो मम्मी मामा ने मुझे एक चैलेंज दिया है जो कि मुझे पूरा करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को बिना रुके सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, सिर्फ वहाँ तक, पूरी ऊपर तक, वहाँ तक, और अगर ज्यादा होएगा तो और ऊपर तक चढ़ सकता। तो देखते हैं चढ़ पाता है कि नहीं। चढ़ लूंगा गाइस, 1 2 3 गो। क्या बोल रहे हो भाई? जब मैं वहाँ से फिर से चढ़ूंगा, हट साले। तो गाइज आ गए हम ये वाले मंदिर में, जिसका नाम है श्री 1008 जुगल किशोर मंदिर। बट इस मंदिर में प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि इसका टाइमिंग है 7:30 बजे और हम आ चुके हैं 5:30, तो मंदिर तो बंद है, बट यहीं से ही ऐसा दिखेगा मंदिर कुछ ऐसा है। और बाकी अंदर का सब बंद है तो अंदर हम जा नहीं सकते, तो प्रॉब्लम ये हो गई है। तो यहीं से हम दर्शन करेंगे, भगवान जी को याद करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से 8 बजे निकलेंगे तो फिर हम जबलपुर पहुँचेंगे सुबह 4 बजे, तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा सब। तो मुझे टाइम से ही पहुँचना है वहाँ, तो बस यहाँ पे ऐसे ही दर्शन करेंगे बाहर से, उनको याद करते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम लोग वापस जबलपुर के लिए। गाइस बैठ गए हैं बस में वापस, और देख लो सब जो यहाँ पे चल रही है गाड़ी, और ये है कंचन उड़े हुए, हाँ बाल पहले बना लिए देखो। तो अब क्या है, अब निकल गए हैं हम लोग फिर वापस, मंदिर के दर्शन तो कर नहीं पाए, तो अब क्या करेंगे, अब निकलेंगे कहाँ, निकल चुके हैं अब अमानगंज के आगे कोई ढाबा है ऐसा मानिंद सर ने बताया है, तो वहाँ खाया जाएगा खाना बढ़िया, वो बनवाएंगे भरता उससे और रोटी खाएंगे और आलू के पराठे, और आलू के पराठे। तो वहाँ चलते हैं बहुत, और मस्त कोल्ड ड्रिंक पी जाएगी। गाइस आओ, फाइनली हमारा भी खाना आ गया है, और यहाँ पे देख लो सब कैसे जूझ रहे हैं। हाँ, और मैं तो हूँ खाने का वेट कर रही हूँ आलू के पराठे का। और यहाँ पे समर्थ देखो, तारक मेहता देखते हुए अभी भी समर्थ, मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है गाइस। और ये देख लो यहाँ पे कितनी सेना चल रही है, और यहाँ देखो मानिंद सर को फाइनली उपास तोड़ते हुए ना, बिल्कुल उपास तो खत्म हो गया है, मजा आ रहा है ना खाना खाने में, बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग खाना खा के सीधे जबलपुर चले गए। क्या है, मानिंद सर ने मुझसे बोला था कि बहन तुम कुछ मत बनाना, मैं सिर्फ फ्रूट पे एकादशी रहता हूँ, पर मैंने एकादशी का दिन खत्म हो गया है, चार रोटियां रखी हैं, एकादशी का दिन खत्म हो गया है, हम लोगों ने बढ़िया स्नान ध्यान कर लिया है, भगवान को स्मरण कर लिया है, तो क्या जैसे ही हमारा भी खाना आ रहा है तो जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम भी जबलपुर के लिए। तो आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आएगा, तो फिर देख लो यहाँ संजय सर को, संजय सर सबको टाटा कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 सर, बाय कंचन, नहीं मेरी तरफ, अरे काय के लिए, ये है मनोज कुमार हमारे अजय सर, बाय बाय। तो जितने भी चश्मे लगते हैं तो मैं इनसे अपनी आंखों का इलाज करवा लेता हूँ फ्री में। वो हमारा भाई भाई कौन है, भाई भाई वो खड़ा भाई भाई, ये हमारी सरिता मैडम है, मतलब हमारी नहीं कंचन लोगों की, आई भी स्पेशलिस्ट है, तो किसी को भी दिक्कत हो छवि नेत्रालय में आओ और सरिता मैडम का नाम पूछना, 10% का डिस्काउंट देंगे ना, नहीं मतलब बिल्कुल 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 देंगे ना, ठीक है। और ये हमारी पूजा, पूजा जो अभी हाथ धो रही है, बाय कर दी उन्होंने डायरेक्ट। तो गाइस आई होप कि आप लोगों का व्लॉग भी पसंद आएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।